हे माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ सुधा और आप देख रहे हैं इंडिक किचन, हमारे यूट्यूब चैनल है। कुकिंग वीडियोस हम लोग डालते हैं फ्रेंड्स। तो आज हमने बनाया है अनियन करेला, काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची है फ्रेंड्स। और इसमें जो हमने तिल मिलाया है वो फुल ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है फ्रेंड्स, उजला तिल जो होता है। और क्योंकि हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं फ्रेंड्स, तो हम लोगों को पता है इसका इम्पोर्टेंस, खास करके विंटर में इसे ज़रूर हम लोगों को यूज़ करना चाहिए अपने डाइट में, क्योंकि ये मसल और बोन्स दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए, करेले को हमने इस तरह से राउंड शेप में काट लिया है फ्रेंड्स। और इसकी कड़वाहट हटाने के लिए हम लोग इसमें देखिए पानी में नमक और हल्दी डाल के करेले को कुछ देर के लिए हम लोग इस तरह से रख देंगे। 10 से 15 मिनट हम लोग इस तरह से छोड़ देंगे फ्रेंड्स। करेले जो नहीं भी पसंद करते हैं ना, वो खाएंगे, कुछ भी कड़वा नहीं लगता है, ये बिल्कुल इसकी कड़वाहट चली जाती है इस तरह से। अब इसको देखिए हम लोग अब पानी से निकाल लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। आप एक बार इस तरह से बना के देखिएगा, ज़रूर आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसे निकाल लिया है। करेला तो है ही बहुत ही हेल्दी एक सब्ज़ी फ्रेंड्स, और साथ में हमने जो इसमें तिल डाला है ना, वो इसे और भी हेल्दी बना देता है। अब देखिए हमने इसमें जो प्याज डालना है उनको हमने इस तरह से राउंड शेप में रिंग तरीके से, देखिए रिंग बन रहा है इसका, इस तरीके से चॉप कर लेना है इस तरीके से। तो इसका जो एक एक लेयर निकल के आता है ना करेले के साथ, वो काफ़ी अच्छा लगता है देख के भी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो इस तरह से हमने देखिए इसको काट लेना है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हम लोग लिए हैं फ्रेंड्स, और जो एंड पार्ट होता है उसका इस तरह से साइड्स हम लोग को हटा देना है और बाकी बचे हुए को फेंक देना है। ऐसे ही हम लोग तीनों प्याज अपने कट कर लेंगे फ्रेंड्स, चॉप कर लेंगे। और उसके बाद चलिए देखते हैं आप कैसे बनाते हैं हम लोग इसको। हम लोग तीनों प्याज कट कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब देखिए एक पैन में हम लोग 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लेंगे, सरसों का तेल है फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। और इसमें हमने देखिए सरसों डाला है, ये आधी चम्मच सरसों है, और करी पत्ते डाल दिए हैं कुछ। ये थोड़े से भुन जाएं, फिर हम लोग अपने करेले इसमें मिला देंगे। करेलों को हमने मिला दिया है फ्रेंड्स, और इनको ना काफ़ी अच्छे से धीमे धीमे हम लोगों को फ्राई करना है। बीच बीच में इसको हम लोग ढक देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं, और ऐसे इस तरह से चलाते हुए इनको बीच बीच में ढक ढक के हम लोग पकाते रहेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छे लगें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सुबह की भागम दौड़ में आपके लिए वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ये हमारा दोनों काम हो जाता है, एक तो आपसे शेयर कर लेती हूँ और दूसरा हमारी जो ऑफिस जाने के लिए हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। तो इसमें हमने अब अपने प्याज मिला दिए, जब करेले थोड़े कुक हो जाएं फिर प्याज मिलाइए, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो इसमें मिला दिया है और इसे ढक के रख देंगे। हमारे करेले बहुत अच्छे से पक जाएंगे फ्रेंड्स, और साथ में इसका जो प्याज है वो भी काफ़ी अच्छे से कुक हो जाएगा। इसे चलाते हुए हम लोगों को अच्छे से भून लेना है, ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। आप एक बार बना के देखिए, जो लोग करेला नहीं खाते हैं ना वो भी आपसे बोलेंगे फिर से बना लो। तो इस तरह से हम लोगों को भूनना है। अब इसमें हम लोग डालेंगे नमक और हल्दी, हल्दी सिर्फ आधी चम्मच डालेंगे फ्रेंड्स, इसमें कोई भी मसाला नहीं डालना है, सिर्फ हल्दी नमक से ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है फ्रेंड्स। ये देखिए इसे फिर से हमने मिक्स कर दिया है, हल्दी नमक को मिक्स कर दिया है, और बीच बीच में हम लोग इसे ढक देंगे और ढक्कन हटा के फिर से इसे मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। इस तरह से हमारे प्याज भी पक जाते हैं और करेले भी बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हमारे करेले का रंग थोड़ा
बदल गया है, ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। थोड़ी देर और पकाएंगे इसे फ्रेंड्स हम लोग, और ये बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। तो हमारी ऑफिस में एक दो लोग कलीग हैं जो बहुत पसंद करते हैं, और आधा तो बस उनमें ही बट जाता है हमारे। इस तरह का करेला जब भी हम लोग बना के ले जाते हैं तो ये उन्हीं में बट जाता है। अब देखिए लास्ट में इसमें हम लोगों ने तिल मिलाया है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो करेले को क्रंची बनाता है और क्रिस्पी बनाता है, साथ में बहुत बहुत हेल्दी बनाता है। तो ख़ास करके जो इंडियन लेडीज़ हैं, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द और मैग्नीशियम की कमी, तो ये सब ये चीज़ें पूरी करता है। जाड़े में ख़ास करके फ्रेंड्स इसे ज़रूर यूज़ करें और अपने डाइट में शामिल करें, ये बहुत ही हेल्दी होती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है उजली तिल। तो करेले में जब आप तिल डालेंगे ना, इसका टेस्ट एकदम दुगना हो जाता है। तो ये रही हमारी तिल वाली अनियन करेला, और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। इस तरह से अगली वीडियो के साथ फिर आऊँगी, और ज़रूर देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड्स, इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय। लेकिन भूलिएगा नहीं वीडियो देखना, और कीप ऑन वॉचिंग फ्रेंड्स प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू।